हेलो एवरीवन, आई एम हेमलता शर्मा और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास फिफ्थ की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 द एलिफेंट एंड द रेट्स के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको सभी को इनका इंतज़ार है और वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स के ट्रांसलेशंस और क्वेश्चन आंसर्स आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। तो अब देखना शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 3 द एलिफेंट्स एंड द रेट ऑफ क्लास 5th इंग्लिश। हियर वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड। जो एलिफेंट्स थे उस एरिया से होकर क्यों गुजरते हैं जहाँ पर रैट्स रहते थे। चैप्टर आपने पढ़ा है, अगर चैप्टर आपने अभी तक ट्रांसलेशन नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चैप्टर को रीड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है ताकि आप सभी को स्टूडेंट्स को अच्छे से इस चैप्टर की स्टोरी समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड। जहाँ रैट्स जो थे रहते थे वहाँ से एलिफेंट्स यानी हाथी वहाँ से क्यों गुजरते हैं। तो आंसर हो जाता है हमारा द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड क्वेश्चन में से आ जाएगा। यहाँ पर जो पास है उसकी जगह आप डिड आ रहा है इसलिए पास लगा देंगे यानी सेकेंड फॉर्म यूज़ कर देंगे। द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। वो किस लिए गुजरते हैं वहाँ से, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। तो कंप्लीट आंसर हमारा हो जाता है द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वेयर डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स, किंग ऑफ रेट्स यानी कि चूहों का राजा कौन था, मूषक राज। जो मूषक राज ने एलिफेंट्स के चीफ यानी एलिफेंट्स का जो चीफ राजा था उससे ये बात क्यों कही कि वो अपने हर्ड को यानी अपने जो एलिफेंट्स का झुंड है वो किसी दूसरे रूट से, रूट का मीन्स होता है रास्ता, किसी दूसरे रास्ते से लेकर जाए, ऐसा क्यों कहा। तो आंसर हमारा हो जाता है द किंग ऑफ रेट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। रिक्वेस्ट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, पूरा आपका क्वेश्चन में से रहेगा। द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। यहाँ तक हमारा सेम क्वेश्चन में से है, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्टेड। जो एलिफेंट्स था उनका मुखिया था, एलिफेंट्स का राजा था, तो किंग ऑफ रैट्स यानी कि मूषक राज ने उससे रिक्वेस्ट की निवेदन किया कि वो अपने हर्ड को, अपने एलिफेंट्स के झुंड को किसी दूसरे रास्ते से लेकर चला जाए। क्यों किया, बिकॉज क्योंकि मैनी, क्योंकि बहुत सारे होम्स ऑफ रैट्स जो चूहे थे उनके जो होम्स थे, उनके जो घर थे यानी बिल थे, वो डिस्ट्रॉय अंडर देयर फुट्स ऑन द रूट। उस रास्ते पर उन चूहों के बहुत सारे घर जो थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे यानी नष्ट हो गए थे। एंड सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, और कुछ जो चूहे थे वो भी उनके पाँव के नीचे दबकर मर गए थे। इसीलिए द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द किंग ऑफ एलिफेंट्स टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। इसीलिए उसने निवेदन किया कि वह अपने झुंड को किसी दूसरे रास्ते से लेकर चला जाए। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स, जो राजा था चूहों का, प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स वेन नीडेड। उसने, चूहों के राजा ने एलिफेंट्स के चीफ से ऐसा क्यों कहा, ऐसा प्रॉमिस क्यों किया कि जब भी उन्हें कभी ज़रूरत होगी तो वे उसकी मदद करेंगे। तो देखिए आंसर हम देखते हैं द किंग ऑफ रेड्स, जो चूहों का राजा था, प्रॉमिस की जगह प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। उसने कहा कि जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बिकॉज क्योंकि द एलिफेंट्स चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि जो एलिफेंट्स का चीफ, एलिफेंट्स का जो मुखिया था, उसने क्या किया, उसकी बात को जो उसने अभी कुछ टाइम पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने हर्ड को किसी और जगह से, किसी दूसरे रास्ते से लेकर जाए, तो उसने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया। इसीलिए जो किंग ऑफ रेड्स था उसने उससे प्रॉमिस कर दिया, वादा किया कि वो जब भी कभी उन्हें ज़रूरत होगी वो उनकी मदद करेगा।
एक बार दोबारा आंसर देख लेते हैं. द किंग ऑफ रेट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड बिकॉज द एलिफेंट्स चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट. क्योंकि एलिफेंट्स के मुखिया ने उसकी रिक्वेस्ट को, उसके निवेदन, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर पे चलते हैं. व्हाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे. एक दिन जो एलिफेंट्स थे वो क्यों चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, क्यों चिल्ला चीख रहे थे वो. द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे, पूरा क्वेश्चन में से द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे, एलिफेंट्स एक दिन चिल्ला रहे थे बिकॉज, क्योंकि दे वर कॉट इन ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स. क्योंकि वे कुछ जालों के अंदर फंस गए थे, जो जाल थे, ट्रैप्स थे, उनके अंदर फंस गए थे बाय सम हंटर्स, जो कि कुछ हंटर्स ने, यानी हंटर मीन्स होता है शिकारी, शिकारियों ने जो जाल बिछा रखे थे वे उन जालों, जाल के अंदर फंस चुके थे, उन ट्रैप्स में फंस गए थे, इसलिए वे चिल्ला रहे थे. नेक्स्ट पे आते हैं. हाउ डिड द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स. अब रेड्स तो बहुत छोटे थे, एलिफेंट्स बहुत बड़े थे, यही देखकर तो एलिफेंट्स ने पहले जब उन्होंने मदद के लिए प्रॉमिस किया तो जो दूसरे एलिफेंट्स थे वो उनकी चूहों पर हंसने लगे थे. तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डिड द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स. जो रेड्स थे उन्होंने एलिफेंट्स की मदद कैसे की. आंसर हमारा है द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स बाय कटिंग द रोप्स ऑफ ट्रैप्स एंड मेक दैम फ्री. जो एलिफेंट्स थे उन्होंने अपने शार्प टिथ से, उनके टिथ तो बहुत तेज होते हैं चूहों के, तो वैसे रेड्स ने क्या किया अपने शार्प टिथ से, बाय कटिंग द रोप्स ऑफ ट्रैप्स, उन्होंने जो जाल थे उनकी रोप्स को, यानी रस्सियों को कट कर दिया, काट दिया, एंड मेक देम फ्री, और उन एलिफेंट्स को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया. द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स, जो चूहे थे उन्होंने हाथियों की मदद की बाई कटिंग द रोप्स ऑफ ट्रैप्स. ट्रैप्स यानी जाल की जो रस्सियाँ थी उनको काट कर एंड मेक देम फ्री, और उन्हें आज़ाद किया. इस तरह से चूहों ने हाथियों की मदद की. तो यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन इसके कम्प्लीट हो जाते हैं. इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए हैं. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और इसी तरह के आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.